एशियन पेंट्स, गिरावट और कितनी आ सकती है सर एशियन पेंट्स में? सर गिरावट है यहाँ पर, ये नीचे लेवल में मुझे एक सपोर्ट जो है, माइल्ड सपोर्ट, बिकॉज सपोर्ट मैं ही बोलूंगा, एक रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो कुछ 2880 के आसपास दिख रहा है। सो यहाँ से अभी 2880 तक भी जाना है, एक बाउंस बैक जो दे रहा है कुछ आज के दिन में 3037-38 के आसपास चल रहा है, ये बाउंस बैक सस्टेन नहीं कर रहा है बिकॉज वॉल्यूम इसके अंदर में काम नहीं कर रहे हैं एंड नंबर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और चूंकि ये कहीं ना कहीं एक सीजनल स्टॉक भी मैं इसको लेता हूँ एशियन पेंट्स को, तो इसका टाइम भी जो है वो जुलाई अगस्त के बाद से एक्चुअली स्टार्ट होता है जो कि दिसंबर तक जाता है सीजनल स्टॉक्स के हिसाब से। तो इसके अंदर में अभी फिलहाल पहला सपोर्ट मुझे 2880 तक जाता है, इन्वेस्टमेंट की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और चूंकि जिस लेवल पे है यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट भी बुक करना नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी एकदम दूर रहे एकदम फ्रेश इन्वेस्टमेंट से। तो पीछे के लेवल्स कहां तक आ सकते हैं? और साइक्लिकल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जब दिवाली और वाला सीजन आना शुरू होता है तो लोग करेक्ट रंगाई पुताई घर के और वाली चीजें होती हैं, तो उसके चलते एशियन पेंट्स में तेजी आती है, वहां से वो अलग चीजें होती हैं। फिलहाल दूर रहने की सलाह।